जहां एक ओर मणिपुर सुलग रहा है, वहीं मणिपुर को लेकर सियासत भी जोर शोर से हो रही है। कांग्रेस समेत विपक्षी दल केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। मणिपुर में जो हो रहा है पूरे देश को मालूम है, मगर प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए हैं। मैंने अपनी आंखों से जो हो रहा है देखा है। हमने सरकार को कहा है कि जल्दी से जल्दी हिंसा को बंद कीजिए। किसी न किसी कारण होम मिनिस्टर अपने काम में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। प्रधानमंत्री से पूछो जाकर ना, कहे नहीं जा रहे हैं आप। जबकि विपक्ष को जवाब देने के लिए एनडीए भी पलटवार कर रहे मैदान में उतर आई है। आज से जो चार साल तीन साल पहले जो मणिपुर की स्थिति थी उसमें सुधार हुआ, फर्दर और सुधार की आवश्यकता, क्योंकि वो सेंसिटिव है, बॉर्डर इलाका है। और हम समझते हैं कि पूरी की पूरी मोदी जी की टीम जो है वो उस पर काम कर रही है। मणिपुर हिंसा पर संघ ने भी चिंता जताई है। गृहमंत्री अमित शाह ने मणिपुर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समीक्षा भी की है। अब एनआईए ने मणिपुर में हुई हिंसा से जुड़े तीन मामलों को अपने हाथ में लिया है। दूसरी ओर इम्फाल में स्कूल कॉलेज 19 नवंबर तक